गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र सोरठिया। डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। आई एम अ म्यूचुअल फंड एडवाइजर, एमपी पास आउट, एमपी सर्टिफाइड। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनकी कुछ क्वेरी थी बेस्ड ऑन दैट, और उनको मैंने पब्लिक डोमेन पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो शेयर करने के लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। मेरा कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है इक्विटी के लिए, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, एंड आप खुद आपकी इन्वेस्टमेंट लॉस प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार रहेंगे। माई सजेशन इज दैट, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर जो सर्टिफाइड होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, उनके पर भरोसा करके या तो उनके डिसीजन को एवेल्यूएट करने के बाद ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। जिस तरह रेडीमेड गारमेंट से कस्टमाइज दर्जी से बनाई हुई गारमेंट अच्छी लगती है, कंफर्टेबल रहते हैं हम कपड़े, लाइक दैट मैं म्यूचुअल फंड एडवाइस करता हूँ। क्लाइंट की नीड, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की फाइनेंशियल सिचुएशन, रिस्क कैपेबिलिटी, अर्निंग कैपेबिलिटी, रिटर्न कैपेबिलिटी, उन सारी चीज को देख के, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर म्यूचुअल फंड एडवाइस। बट कुछ क्लाइंट की इंक्वायरी थी बिकॉज टॉक ऑफ द टाउन कुछ स्टॉक में न्यूज आती है और लोग उसके पीछे भागते हैं, मैसेज आते हैं लोगों पे, फोन कॉल आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं कि हम आपको एडवाइस करेंगे, आपको मल्टीपल टाइम्स पैसे बना के दे देंगे, दिन में चांद दिखाने की जो बात करते हैं, तो लोग डेफिनेटली ट्रस्टेड एडवाइजर के पास बात करने के लिए आते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द स्टॉक कि जिसके बारे में बहुत ही डिस्कशन हो रही है, और बहुत सारे लोग जो है उनको अलर्ट करने के लिए मैं आप जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो आपके साथ साझा कर बात करें। यहाँ पे ईवीक्यू रेमेडीज के बारे में एक यूनिक स्टॉक है जिसकी एक न्यूज आती है कि कंपनी को 136 करोड़ का एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है। हालांकि कंपनी की मार्केट कैप 22 करोड़ है, और एज यूजल इतने बड़े न्यूज के बाद अपर सर्किट लगना तय है। और जब हम देखते हैं डिलीवरी परसेंटेज, तो डिलीवरी परसेंटेज वो न्यूज के दिन के बाद 20 लैक्स 96,000 स्टॉक की डिलीवरी होती है, और अगर उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो जो फ्री फ्लोट स्टॉक है 36 लैक्स का, उसका 69% होता है, और टोटल इक्विटी जो कंपनी की है 1,01,36 करोड़ की है, और इसका ये 18.35% स्टॉक डील की ट्रेडिंग हुई है। जो टोटल स्टॉक है डिलीवरी किए गए हैं 24,96,000, उसमें से 23 लाख स्टॉक की डिलीवरी सिर्फ प्रमोटर के थ्रू सेल की गई है। हालांकि जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, जो वेटरन है, उनकी कहना है कि जब भी प्रमोटर किसी भी इक्विटी को ह्यूज क्वांटिटी में सेल करते हैं तो उसको आपको इवोल्यूट करना होगा। जो राइज हुआ है टोटल ट्रेडिंग क्वांटिटी में वो 1.82 करोड़ है, कंपनी की इक्विटी मैंने जैसे बताया 1.36 करोड़ है, तो ये 1.34 टाइम्स ऑफ टोटल इक्विटी का स्टॉक है उसके सामने ट्रेडिंग हुआ है। और डिलीवरी जो है वो अगर आप देखते हैं 69,28,000 जो स्टॉक की है, वो फ्री फ्लोट जो है उसका भी 1.92 टाइम्स हुआ है, 50% ऑफ इक्विटी का। आप मल्टीपल टाइम्स देखिए, आप यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहे हैं, ये क्लियर है कि प्रमोटर ह्यूज क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं। हम बिफोर एंड आफ्टर न्यूज, बिफोर एंड आफ्टर सिनेरियो देखते हैं तो अनाउंसमेंट आती है, उसके पहले प्रमोटर की जो इक्विटी थी वो 73.53%, यानी कि 1 करोड़ शेयर थे। पब्लिक की जो होल्डिंग थी वो 26.47%, यानी कि 36 लाख स्टॉक थे। अब न्यूज आती है, अपर सर्किट लगती है, डाउन सर्किट या तो डाउन ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, और प्रमोटर की इक्विटी देखते हैं हम आफ्टर अनाउंसमेंट, तो वो 20.53% रह जाती है, यानी कि 27,92,000 स्टॉक जो है वो प्रमोटर के पास है। पब्लिक की जो होल्डिंग है पहले 36 लैक्स थी, यानी कि 26.47% थी, वो अब बढ़ के 79.47% हो जाती है। 36 लैक्स जो स्टॉक थे उसकी जगह 1,08,08,000 स्टॉक पब्लिक के पास आ जाती है। यहाँ पे ड्रामेटिक एंड ड्रास्टिक चेंज ऑफ ओनरशिप है। आपको ये देखना है कि ये क्या हो रहा है। इंडस्ट्री वेटरन्स या एक्सपर्ट की सलाह मानेंगे, जब भी प्रमोटर अपने स्टॉक पे ट्रस्ट कम करता है या तो कुछ भी ऐसा होता है विच इज अ सरप्राइज फॉर द अदर पीपल, तब ये देखने को मिलता है। हम यहाँ पे देखते हैं मनी कंट्रोल में, तो वहां पे भी एक न्यूज आई हुई है, आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। न्यूज पे जाएंगे तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट या इंडस्ट्री वॉचडॉग जो भी है उन्होंने भी कुछ डाला हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे न्यूज है कि एसएमई शॉकर जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है,
प्रमोटर ने अपना स्टॉक 73% से 20% तक लेके आया आफ्टर ह्यूज ऑर्डर। और आप ही देखिए, कंपनी के ओनर है, नफा बढ़ने वाला है, बड़ा ऑर्डर आने वाला है। कंपनी की मार्केट कैप से 6-7 टाइम्स टर्नओवर होने वाला है, ऑर्डर मिला है, और वो अपना क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं। बरबर है, 10वीं तारीख को कंपनी बोलती है कि मेरी मुझे ऑर्डर मिली है, और उसके बाद में जो हो रहा है आपको चेक करना जरूरी है। अगर आप चेक करेंगे तो बहुत सारी चीज मिलेगी। अगेन, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। मैं किसी भी स्टॉक के बारे में आपको बाई सेल नहीं कह रहा हूँ। मेरा यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जो ये चेंज हुआ है ओनरशिप ऑफ द प्रमोटर, उसको आपको अलर्ट कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो माई सिंसियर रिक्वेस्ट इज दैट आप एक्सपर्ट की सलाह मानिए, जो इंडस्ट्री वॉचडॉग से सर्टिफिकेशन देके अप्रूव फंड मैनेजर हैं, वो जो कायदे के दायरे में लेके डिसीजन लेते हैं, उस दायरे को आप चेक करिए कि वेदर दे आर डूइंग और नॉट। और अगेन, मैंने जैसे बताया, इच इंडिविजुअल की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट डिफरेंट रहती है, तो जनरलाइज रिकमेंडेशन की बजाय आप टेलर मेड रिक्वायरमेंट लीजिए। आई एम एम पी रजिस्टर्ड, एम पी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो मैं आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी फाइनेंशियल नीड, आपकी फाइनेंशियल रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड एडवाइस कर सकता हूँ। थैंक यू। स्टे अलर्ट, स्टे केयरफुल वाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट। एज यू नो, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मेरी यहाँ पे कोई तरह की बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट इंडस्ट्री में कुछ अनयूजुअल अपडेट होंगे तो मैं आपको चैनल के थ्रू अवेयर करूंगा। थैंक यू।